हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है पूजा और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ साड़ियां और कुर्ती सेट शेयर करने वाली हूँ। सभी मैंने फ्लिपकार्ट से लिए हैं, तो लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ये हॉल होने वाला है। बहुत प्यारी साड़ी और बहुत प्यारे कुर्ती सेट शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार जरूर चेक करना, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी हिट कर देना, ऑल पे हिट कर देना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर हिट नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और इतने प्यारे प्यारे हॉल जो है ना वो आप मिस कर दोगे। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे जो मैंने साड़ी पहनी है ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने अमेजोन से परचेज करी है और जो भी आउटफिट है वो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज करे हैं, तो सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ ये वाली साड़ी शेयर करने वाली हूँ। इसकी जो प्राइस होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और फैब्रिक आपको मिलने वाला है इसका सिफोन का। सिफोन के फैब्रिक में बहुत ही प्यारा सा ये वीविंग वर्क किया गया। पास से आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी लग रही है। और इसमें ना स्टोन वर्क भी किया गया है, दिख रहा होगा आपको। ये जो वर्क है ना, ये आपको पूरी ही साड़ी में मिलेगा और जो वीविंग वर्क है वो भी आपको पूरी ही साड़ी में मिलेगा। प्यारी सी साड़ी है, बहुत प्यारा कलर है इसका। और इसके साथ जो ब्लाउज है ना, वो आपको प्लेन ड्यूपिन का ब्लाउज मिलेगा। ब्लाउज की लेंथ आपको ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगी। बट इसका जो फैब्रिक है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इस पर अलग से ब्लाउज लेके अगर आप बनवाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो कलर है ना ये इस साड़ी में मैच भी नहीं कर रहा। और इसकी जो क्वालिटी है ब्लाउज की वो भी अच्छी नहीं है। ओवरऑल साड़ी बहुत प्यारी है, इसका कलर बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है सिफोन का। तो आप आराम से इसको बहुत कंफर्टेबल होके पहन सकते हो। और इसका जो कलर है ना वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस साड़ी पे ना पीकॉक के पैटर्न बने हुए हैं, तो बहुत ही ट्रेडिशनल सा लुक दे रही है। पूरे ही वर्क में आपको ये स्टोन वर्क भी मिलेगा इसके बॉर्डर में और बीच में जो मोटिफ बने हैं उसमें। और इस साड़ी में आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो अगर आप डिफरेंट कलर लेना चाहते हो तो वो भी आप इसमें ले सकते हो। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाली साड़ी शेयर करने वाली हूँ। इसकी जो प्राइस होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। फैब्रिक आपको जॉर्जेट का मिलेगा और ये बहुत प्यारी साड़ी है। इसमें पूरे ना गोटे पत्ती का काम किया गया है इस तरह का, और साथ में ये पाइपिंग वर्क भी किया गया है। वर्क आप पास से देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है इस तरह से। और बीच में ना आपको ये मोटिफ भी मिलेंगे। ये जो मोटिफ है आपको पूरी साड़ी में मिलने वाले हैं। और इसका जो पल्लू है ना वो भी आपको सेम ऐसे ही मिलने वाला है, तो इस तरह का पल्लू मिलेगा। और इसका जो ब्लाउज है वो आपको सेम ऐसे ही फैब्रिक में मिलने वाला है। तो ये वाला ब्लाउज है, तो आप अपनी अकॉर्डिंग इसमें से ब्लाउज निकाल सकते हो। ब्लाउज में आपको ये बॉर्डर भी मिल जाएगा जिसको आप स्लीव्स पे यूज कर सकते हो। लेंथ आपको अच्छी मिल जाएगी तो आप आराम से स्लीव्स पे यूज कर सकते हो। सेम ही फैब्रिक है, सेम ही डिजाइन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ, ब्लाउज के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ रख के आप इसमें से ब्लाउज निकाल सकते हो। उसके बाद ये साड़ी इसमें स्टार्ट हो जाती है। साड़ी का जो कलर कॉम्बिनेशन है, मुझे ग्रीन चाहिए थी तो मैंने ग्रीन परचेज करी। अदरवाइज आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे कलर में, तो अगर आप डिफरेंट कलर लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। फैब्रिक आपको अच्छा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा जो लचकीला जॉर्जेट फैब्रिक होता है वैसा नहीं है, बट हाँ फैब्रिक आपको सही मिल जाएगा। साड़ी प्यारी है, लुकिंग वाइज बहुत ही ट्रेडिशनल लुक की साड़ी है। इसमें जो गोटे का डिटेलिंग दे रखी है ना, जो कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है ग्रीन के साथ रानी का, वो भी प्यारा लग रहा है। और इसमें जो पाइपिंग है ना रानी कलर की, अगर आप उस कलर का भी ब्लाउज इसमें स्टाइल करोगे तो भी बहुत प्यारा लुक आएगा। ओवरऑल साड़ी प्यारी है, फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छी है, पूजा वगैरह में तो इस तरह की साड़ियां बहुत प्यारी लगती है। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाली साड़ी शेयर करने वाली हूँ। इसकी जो प्राइस होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बनारसी लुक की साड़ी है, कलर कॉम्बिनेशन A1 है और ये इस तरह की साड़ी है। सबसे पहले तो मुझे इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ही बहुत प्यारा लगा। इसका जो बॉर्डर है बहुत ही ब्रॉड बॉर्डर दिया गया है, ऊपर नीचे दोनों साइड सेम ही बॉर्डर है। और पूरी साड़ी में ये वीविंग वर्क इसमें किया गया है, तो वर्क भी प्यारा है। बॉर्डर की जो डिजाइन है वो आप पास से देख सकते हो। पर्पल के साथ जो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दिया गया है बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। और इसका जो पल्लू है वो आपको ऐसे मिलेगा, तो पल्लू पूरा पर्पल और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में दिया गया है। और इसी कॉम्बिनेशन में आपको मिलने वाला है इसका ब्लाउज,
तो ये वाला इसमें ब्लाउज दिया गया है, ब्लाउज की लेंथ आपको ऑलमोस्ट 1 मीटर मिल जाएगी। और ये जो बॉर्डर है ना ऊपर नीचे दोनों साइड दिया गया है, इसमें जो मोटिव बने हुए हैं ना वो सेम साड़ी के जैसे ही बने हुए हैं, मतलब सेम साड़ी के जैसा ही है सब कुछ, बट कलर आपको डिफरेंट मिलेगा। तो बॉर्डर की लेंथ आपको बहुत अच्छी मिलेगी, डबल बॉर्डर मिल रहा है, तो आप स्लीव्स के लिए और एक्स्ट्रा डिजाइन के लिए यूज कर सकते हो। और इसमें आपको कोई भी प्लेन फैब्रिक नहीं मिलेगा, तो स्टार्टिंग से ही वर्क वाला फैब्रिक है। ओवरऑल साड़ी बहुत प्यारी है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया वो A1 है। इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो अगर आप डिफरेंट कलर लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। साड़ी फेस्टिवल्स के लिए, वेडिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है। अभी वैसे भी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही रॉयल लुक देती है और उतनी कंफर्टेबल है, ज्यादा ऐसे खड़ी खड़ी या फुली फुली साड़ी आपको ये नहीं मिलेगी, तो आप इसको कंफर्टेबल होके पहन भी पाओगे। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला कुर्ती सेट, इसकी जो प्राइस होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसमें आपको कुर्ती मिलेगी, दुपट्टा मिलेगा और शरारा मिलने वाली है। दोनों ही जो सेट है वो शरारा सेट ही होने वाला है। फैब्रिक आपको कॉटन का मिलेगा और इसके योक पे आपको इस तरह की डिजाइन मिलने वाली है। पूरा इसमें ये एम्ब्रॉयडरी की गई है, 3/4 आपको स्लीव्स मिलेंगी, स्लीव्स में ये फ्रिल वाली लेस लगी हुई है। इसकी जो लेंथ है कुर्ती की वो आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथ वाला कुर्ती नहीं है, क्योंकि इसके नीचे आपको मिलने वाली है शरारा। और इसका प्रिंट आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, बैक से भी इसका जो प्रिंट है वो ऐसा ही मिलने वाला है। और इसकी जो शरारा है ना उसकी जो विड्थ है वो आपको इतनी सारी मिलेगी। नीचे के साइड ये गोटे की डिटेलिंग दी गई है और यहाँ पे भी गोटे की डिटेलिंग दी गई है। फैब्रिक आपको कॉटन का मिलेगा, अच्छा वाला जो सॉफ्ट कॉटन होता है ना वो वाला फैब्रिक है, बट ट्रांसपेरेंट नहीं है। आगे की साइड बेल्ट दिया गया, बैक साइड इलास्टिक दिया गया है। और इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा लग रहा है, रानी कलर आपको मिलने वाला है, उतना ही प्यारा इसका दुपट्टा है। अगर मैं दुपट्टे की फैब्रिक की बात करूं तो आपको सिफोन का फैब्रिक मिलेगा, बहुत प्यारा सा सिफोन का फैब्रिक है। विड्थ देखो इसकी कितनी अच्छी है। और मैं अगर इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी 2.25 मीटर, तो लेंथ और विड्थ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। चारों तरफ दुपट्टे पे आपको ये फ्रिल वाली लेस इसमें मिलने वाली है। ओवरऑल जो कुर्ती सेट है वो बहुत अच्छा है, मतलब इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं है, ना इसका दुपट्टे की लेंथ में कमी है, ना कुर्ती सेट की डिजाइन में कमी है, ना फैब्रिक में कमी है। कलर भी बहुत अच्छा है, एकदम ट्रेडिशनल लुक देता है, फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, राखी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कंफर्टेबल आप आराम से इसको पहन सकते हो, वॉश भी कर सकते हो, तो बहुत प्यारा सा कुर्ती सेट है और इसका कलर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाला कुर्ती सेट शेयर करने वाली हूँ, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। रियॉन कॉटन आपको इसका फैब्रिक मिलेगा, इसमें कुर्ती है, शरारा है और साथ में दुपट्टा भी मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी कुर्ती देखते हैं, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है। स्लीव्स आपको इसकी छोटी ही मिलेंगी और ये थोड़ा सा ना ए लाइन टाइप का है। और इसकी जो लेंथ है वो आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगी। ये टसल्स इसमें लगी हुई है फ्रंट में और ये अंगरखा स्टाइल में कुर्ती बना हुआ है। और बैक से भी आपको सेम ये ऐसे ही मिलेगा और ये जो बॉर्डर है बैक में भी दिया गया है। और इसके साथ मिलने वाली है आपको ये वाली शरारा, सेम ऐसे ही फैब्रिक में है। शरारा की जो विड्थ है वो इतनी है और इसमें इस तरह की डिजाइन बनी हुई है। नीचे की साइड भी आपको ये बॉर्डर मिलेगा, चारों तरफ ये बॉर्डर दिया गया है और ऑल ओवर आपको इसमें मिलने वाला है इलास्टिक। और इसका जो दुपट्टा है ना वो आपको सिफोन में मिलेगा। दुपट्टे में ना इस तरह से डिजाइन दी गई है, मतलब ये दुपट्टे पे यहाँ है, फिर यहाँ पे गोटे की डिटेलिंग दी गई है, फिर गोटे की डिटेलिंग दी गई है, फिर गोटे की डिटेलिंग दी गई है, तो बीच में भी आपको पूरा गोटे की डिटेलिंग मिल जाएगी। विड्थ आपको इतनी मिलेगी और इसकी जो लेंथ है ना वो बहुत बुरी है, मतलब इन्होंने 2 मीटर का भी दुपट्टा नहीं दिया। तो कुर्ती सेट अच्छा है बट इसके दुपट्टे ने इस कुर्ती सेट का जो लुक है ना वो बिगाड़ दिया, क्योंकि एटलीस्ट जब दुपट्टा देते हो ना तो एटलीस्ट कम से कम 2 मीटर का दो, जिससे कुर्ती सेट का जो लुक है ना वो तो अच्छा है, बट ये 1.25 मीटर का ही है तो बहुत छोटा रहता है। तो वैसे कुर्ती सेट का फैब्रिक अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट दुपट्टे की वजह से इसने इसका लुक खराब कर दिया है, अदरवाइज कुर्ती सेट बहुत प्यारा है। तो आज के हॉल में मैंने आपके साथ शेयर करे हैं कुछ कुर्ती सेट, कुछ साड़ियां। आपको सबसे अच्छा कौन सा आउटफिट लगा मुझे कॉमेंट पे जरूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज पक्के से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।